पहली चीज की मैं माजरत चाहता हूँ, कल मैं ऐसे काम में और एक मीटिंग में मसरूफ होने की वजह से मुझे उम्मीद थी कि वक्त पे मैं 5-10 मिनट की हेर फेर से पहुँच जाऊँगा। माजरत चाहता हूँ, नहीं, मीटिंग जो है वो लगभग 11:30 बजे रात तक होती है। अल्लाह फ़ज़्ल फरमाए, और जो लोग भी इन मजालिस का इंतजाम कर रहे हैं अल्लाह उनकी कुर्बानियों को फरमाए। इससे पहले कि कुछ अर्ज़ो मारूज का सिलसिला शुरू हो, आइए हम और आप मिल करके नहायत की अकीदत व महब्बत के साथ दिल की अथाह गहराइयों से नबी पाक जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार बरबार में बा आवाज बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की जो शब है वो आशूरा की शब है। इस रात के बारे में आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। 7 तारीख से ही हजरत इमाम अली मकाम करबला के मैदान में मौजूद थे, फिर पानी भी बंद किया गया, जाने भी नहीं दिया गया। आज की रात वो रात है जिसके बारे में इमाम ने फरमाया था, अगर जंग ही करनी है तो कल दिन में जंग होगी, आज रात को दिल खोल करके हमें अपने रब की बारगाह में हाजिरी दे देने को। आज की रात जाहिर सी बात है बहुत कर्ब वाली रात थी, बहुत दर्द वाली रात थी। सबको इस बात का अंदाजा था कि कल शहीद कर दिए जाएंगे। अगर अपनी मौत के बारे में किसी को नामालूम हो तो वक्त बड़ी आसानी के साथ गुजर जाता है, लेकिन अगर अतिबा या कहने वाले बता दे कि फलाने वक्त आपकी मौत आनी है तो उसके बाद वक्त काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन कमाल है, इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से रख ले, ये लोग जन्नती लोग हैं। जिंदगी में अल्लाह के बाद जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद किया वो रसूलुल्लाह की ज़ाती मुबारक। रसूल ने इन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। भाई जब जन्नती जन्नत में रहेंगे तो सरदार जन्नत से बाहर थोड़ी न रहेगा, वो तो जन्नत में भी जो सबसे आला मकाम होगा उस मकाम पर रहेगा। चुनांचे इनके दिलों में ईमान ऐसा रचा दिया गया था, ऐसा बसा दिया गया था कि उस ईमान की लज्जत और उस ईमान की चाशनी के साथ दुनिया की कोई भी आजमाइश जो है बड़े आराम से हंस करके मुस्कुरा करके बर्दाश्त कर लिया करते थे। यही रविश अगर हमारे अंदर भी आ जाए, पूरी ना सही कम से कम इसके चंद खतरे भी आ जाए, तो मैं समझता हूं इंसान दुनिया में भी बड़े आराम से जिंदगी गुजारेगा और आखिरत में अल्लाह जो सुखरूई अता फरमाएगा वो तो उसका फजल है, उसका इनाम है। एक इंसान अगर ठान ले कि मुझे रब ही ने पैदा फरमाया है, उसी के हुक्म से सब कुछ हो रहा है और उसी के हुक्म से मैं जिंदा हूं, वही जब तक चाहेगा मैं जिंदा रहूंगा और वो जब नहीं चाहेगा तो अपने पास बुला देगा, तो इंसान को इस बात का एहसास होगा कि इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो तो उसी का चल रहा है, हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा। सांस देने वाली जात भी अल्लाह की है, दिल में धड़कने अता फरमाने वाली जात भी अल्लाह ही की है, आंखें हैं तो रोशनी देने वाली जात भी तो अल्लाह ही की है, जिसमें कुव्वत अता फरमाने वाली जात भी अल्लाह ही की है। तो फरमाते हैं अगर इंसान इतना समझ जाए कि सब कुछ तो उसी का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो हमारे और मेरे तेरे के लिए कभी नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है पैदा करने वाली जान अल्लाह की है और मरने के बाद उसी अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिरी देनी है, तो जो कमजोर होगा वो भी हाजिरी देगा। और ऐसा तो नहीं है कि कोई बादशाह हो, कोई ताकतवर हो तो वो हमेशा दुनिया में रहेगा, ऐसा नहीं। देर सवेर सही वो भी तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर आएगा। अब ये बताओ, एक कमजोर और एक ताकतवर जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर आएंगे तो बताओ जो ताकतवर होगा रब उससे भी बड़ा ताकतवर होगा, बल्कि यूं कह ले कि सबसे बड़ा ताकतवर तो अल्लाह ही होगा। जब वो इंसान फरमाएगा तो ऐसा थोड़ा ही ना है कि ज़ईफ को कमजोर को इंसाफ ना मिले और जो ताकतवर है उसको इंसाफ मिले। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो कयामत में ऐसा इंसाफ होगा, ऐसा इंसाफ होगा कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को अगर मारा होगा तो उसका भी इंसाफ होगा। इमाम अली मकाम के दिल में ये बात रचा दी गई थी ना, जी हाँ ये बात बसा दी गई। आदमी दुनिया में जीता ही है अल्लाह और उसके रसूल की, अगर आदमी जीना सीख ले, सब्र करना सीख ले, तो जालिम की कोई औकात बाकी नहीं रहती है। जालिम दुनिया में जुल्म करके ये समझता है मैं गालिब हूं और वो ये समझता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। हालांकि दुनिया में भी जो लोग इंसाफ पसंद होते हैं वो उस पर लानत भेजते हैं और आखिरत में जो उसका बुरा हाल होगा वो तो अपनी जगह पर होगा। ये बताओ, सीधी सी बात यह है, इमाम आली मकाम 72 नफूसे कुदसिया को लेकर के कर्बला में पहुंचे थे, उनमें से कोई जिंदा रहा? उनमें से कोई जिंदा रहा? इमाम जैनुल आबिदीन आपके जो बीच वाले फजल थे वही जिंदा रहे, और वो भी इमाम ने चाहा, वो भी इमाम ने चाहा तो वो जिंदा रहे। वरना आप ये बताएं
उनसे छोटा भाई शहीद कर दिया गया, उनसे बड़ा भाई शहीद कर दिया गया, भतीजे शहीद कर दिए गए, चचाजाद भाई शहीद कर दिए गए, खुद इमाम आली मकाम भी शहीद कर दिए गए, तो एक बच्चे का बाकी रहने का क्या मतलब है? आप जानते हैं जब सारे शहीद हो चुके थे उस मौके पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी नेजा लेकर के खड़े, बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन आप ने जब ये देखा कि बाबा जान तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह पर कांपते हुए पांव पर नेजा हाथ में लेकर के खड़े हुए, कहा बाबा जान आपसे पहले मुझे जाने की इजाजत बरकत फरमाए। उस वक्त बाप बेटे के दरमियान में एक मुकालमा हुआ था, उस वक्त बाप बेटे के दरमियान में एक गुफ्तगू हुई थी। कहा इमाम आली मकाम ने, नहीं बेटा आपको यहीं पे रहना है। ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा था बाबा जब सब लोग थे तो इन लोगों ने जिंदा ना छोड़ा, जब कोई ना रहेगा तो ये लोग जिंदा रखेंगे मुझे? मेरे वक्त का इमाम उस पर आया, इशारा फरमाते हैं तुम्ही को तो जिंदा रखा जाएगा, तुम्ही को तो जिंदा रखा जाएगा। कहा बाबा आप हयात में हैं, जाहिरी तौर पर आप हमारे आगे आगे चलते हैं, आपके बाद फिर हमारे आगे कौन चलेगा? इमाम आली मकाम ने मुस्कुरा के उस वक्त फरमाया था ज़ैनुल आबिदीन फिक्र मत करो, मैं जाहिरी तौर पर हूं तब भी मेरी कयादत में तुम हो, अगर नहीं रहूंगा तब भी मेरी ही कयादत में तुम रहोगे, तब भी मेरी ही कयादत में तुम रहोगे। मेरी कयादत सिर्फ अभी मैदाने कर्मों बला तक नहीं है, मेरी कयादत हश्र तक के मुसलमानों के लिए है, हश्र तक के मुसलमानों के लिए। आज बुज़दी को यजीद कहा जाता है और बहादुर को इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन कहा जाता है, हुसैन कहा जाता है। अब उस मौके पर आपको बताओ जब सब लोग शहीद हो गए थे, काफिला एक ही ऊंट पर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला था, जो हजरत इमाम आली मकाम की बहन है, सगी बहन, और कहते हैं कि आपकी अहलिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन तीनों के भांत भांत करके एक ही ऊंट पर बांध दिया गया था। आप सोच सकते हो ऊंट की नंगी पीठ और हाथ बांध करके जिसे ऊंट पर लटकाया गया हो, अल्लाह हु अकबर, कितना सितम हो रहा होगा। कोई एसी थोड़ी ना थी, कोई पंखा थोड़ी ना चल रहा था, अरे करबला का तपता हुआ मैदान था, जिनके लिए रवायतों में आता है कि दोपहर के वक्त इनकी माँ इनको बाहर नहीं निकलने देती थी कि बच्चे का चेहरा कहीं धूप से झुलस ना जाए। आज कौन था इनका पूछने वाला? इमाम का सर जब नेजे पर लटका दिया गया था और काफिला जब रवाना होने लगा, रवाना हो गया था, चल रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू थे और बड़े ही कर्ब भरे अंदाज में अर्ज किया था बाबा आप तो कहते थे जिंदगी में भी मैं ही कयादत करूंगा, बाद में भी मैं ही कयादत करूंगा, अब तो आप जिंदा ना रहे, आपका कटा हुआ सर नेजे पर है। अल्लाह अकबर, उस सर से आवाज आई ज़ैनुल आबिदीन घबराओ नहीं बल्कि अपनी आंख खोल करके देखो, जिंदा था तब भी आगे ही चल रहा था, अब सर काट दिया गया है तो क्या हुआ, अब भी तो आगे ही चल रहा है। हमको पीछे चलना सिखाया ही नहीं गया, हम आगे थे, आगे। दुनिया ये समझती है कि शहीद हो जाने के बाद इंसान खत्म हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल करूं, दुनिया की ये कैसी जंग है जिसमें 72 अफराद शहीद कर दिए गए, मर्दों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा तो कोई बाकी ना रहा ना, सब के सब शहीद कर दिए गए। लेकिन ये बताओ इमाम को शहीद कर दिया गया, आपके अहले खाना को शहीद कर दिया गया, खानदान वालों को शहीद कर दिया गया, सबको शहीद कर दिया गया, लेकिन जीता कौन था यार? दुनिया की सारी लड़ाइयां
दुनिया की सारी जंगें अपने सामने रखो। कहा जो मार देता है वो खाली बढ़ता है और जो मर जाता है वो मगलूब होता है, ये तो कहा जाता है। लेकिन आप ये बताओ मारने वाला कौन था? कहा यजीद था। और मरने वाले कहा कि बजाए मरने तो इमाम आली मकाम भरे नहीं थे। याद रखना शहीद कभी मरता नहीं, शहीद कभी मरता नहीं, लेकिन बजाहिर तो ये दिख रहा था ना, कहते इमाम आली मकाम शहीद कर दिए गए और शहीद करने वाला यजीद था। तो अब होना क्या चाहिए था कि ये जिक्र की महफिल यजीद के नाम पर होती, ना ये कि इमाम आली मकाम के नाम पर। लेकिन ये बताओ आज 1400 साल में अहले सुन्नत वल जमात मुसलमाना ने आलम के रविश क्या जो महफिले मुनाकिद की जाए। मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कहीं भी यजीद के नाम की महफिल मुनाकिद की गई। आखिर इमाम आली मकाम ही के नाम की क्यों महफिलें मुनाकिद की जाती हैं? तो आप सिर्फ इतना याद रखो जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है अल्लाह उसके जिक्र को हमेशा के लिए जिंदा करवा दिया जाता है। अल्लाह और उसके रसूल का बनकर के तो दिखाओ। यजीद था उसमें कमियां थी, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, अहकाम इलाही को बड़ी तेजी के साथ वो बदल रहा था। आज ये जो सब कुछ चल रहा है ना शोर के कॉमर्स सिविल कोर्ट ये वो फलाने का ये सब, ये हमारे लिए नई नहीं है। हम एक जमाने से उससे जूझते आए हैं, हमारी नस्लें जूझती आई हैं। हमको इस बात का यकीन है कि हम हक पर हैं तभी तो आजमाया जाएगा, ना अहलों को थोड़े ना आजमाया जाता है। गली में दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता। ये बताओ जो पढ़ता है उसी की तो वालदा खेलने से रोका करती है, उसी की तो वालदा उसको मार करके ले जाके पढ़ाया करती। कमाल है यार, ये पढ़ भी रहा है मार भी खा रहा है। और वो बच्चा जो पढ़ता ही नहीं है, जिसको इल्म से कोई वाकफियत ही नहीं है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, वो आराम से खेल रहा है। तो बात समझ में आती है जो अहल होते हैं अल्लाह उन्हीं को आजमाया करता है, ना अहलों को थोड़ी ना आजमाइश में डाला जाता है। जो अहल होते हैं ना उन्हीं को आजमाइश में डाला जाता है और अहल अपने अहल होने का सबूत दिया करता है कि हाँ मैं अहल हूं, तभी तो उसको इम्तिहान से गुजारा जाता है, ना अहल को इम्तिहान से नहीं गुजारा जाता। तो ये बताओ यजीद गालिब था बज़ाहिर, इमाम आली मकाम का पूरा कुतुबा पूरा घराना ये शहीद कर दिया गया। तो बताओ आज जमाने में जो जिक्र की महफिलें हैं या मुसलमानों के दिलों में जो यादें बसी हुई हैं यजीद की है या इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला की? यकीनन इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला की। आज 10 दिनों से ये महफिल चल रही है, बताओ तो कभी ये छोड़ दो जिंदगी में कभी आपने यजीद के फज़ाइल भी सुने? यजीद अच्छा नाम है, सुन लो एक बार, यजीद अच्छा नाम है, लेकिन उस आदमी जिसका नाम यजीद था उसने बुरा किया, आज शर्मिंदगी के बुनियाद पर अपने बच्चों का नाम यजीद रखने में पूरी कौम मुस्लिम घबराएगा और घबराएगा, भी शर्मिंदगी महसूस करती है कि इस इमाम के आदमी ने ऐसा इमाम पर जुल्म किया था कि कयामत तक वो मजालिम भुलाए नहीं जाएंगे। यजीद के तो मजालिम नहीं थे। आपको एक बात बताऊं, इमाम आली मकाम जो शहीद हुए उसके बाद बाकायदा यजीद ने मदीना पाक पे फौजकशी की थी, बाकायदा तौर पर फौजकशी की थी और मदीना पाक में इतना खून खराबा मचाया, इतना खून खराबा मचाया, अल्लाह अकबर, तारीख हमारी ये बताती है उसने एक दो नहीं, आज अगर हमें सहाबी की कब्र के बारे में मालूम हो जाता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी वहां पर हाजिरी देना आज भी मुसलमान सआदत की बात समझा करता है, सादत की बात सजा करता है। ये मालूम होता कि ये सहाबी की कब्र है, फलानी जगह पे सहाबी मौजूद है, हम ज्यादा वहां पर हाजिरी देना अपने लिए सादत की बात समझते हैं। लेकिन आप जानते हो यही लाइन है, यही ऐसा कुमार बाश है, यही ऐसा फासिक ऐसा फाजिर, अल्लाह अकबर, इसने एक दो सहाबी नहीं 700 सहाबा का उठवाया था। जानते हैं आप, इसने एक दो नहीं मदीना पाक में 700 सहाबा का खून बहाया था। और आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए उसने तकरीबन 11,000 ताबईन को बिला कसूर शहीद कर दिया था। 11,000
अब आप बताओ ये इतना बड़ा जालिम था, इमाम क्या आसानी से मान जाते कि तुम्हारे हाथ में बयान कर लो? उसका हाथ नहीं, सर से पांव का पूरा मुजस्मा मजलूमों के खून में डूबा हुआ था, मजलूमों के खून में डूबा हुआ था। अल्लाह रोकर एक बात बताओ, हुजूर दारिश रिया के पास नरसिम्हा राव जब अपने जमाने का हिंदुस्तान का वजीर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वजीर आजम था, आया था मिलने के लिए, सर्कल हाउस में बैठा रहा, पीए को भेजा, पहले उसे ताजु शरिया ने मना फरमाया, रहने दो हम लोग छोटे लोग हैं, वो लोग बड़े लोग हैं, वही लोग अपने बड़ा बने रहे। अक्सर बड़े अपने आप का छोटा ही जाहिर करते हैं, और जो छोटा होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, भीख मांग करके आता है 5 साल के लिए, फिर दुनिया उसे लथेड़ दिया करती है, फिर भी समझता है जो बहुत बड़ा बह रहा है। हमारे यहाँ असलाफ की पहचान ये है, वो जमीन के ऊपर रहे तब भी उनकी तहजीब की जाती है, जमीन के नीचे रहे तब भी उनकी तहजीब की जाती है। वो आया, उसने कहा कि मिलने की इजाजत दिलवाई जाए, नहीं मिल रहे थे, बार बार दुहाई लगाई कि मतलब मिल ले दिया जाए। अल्लाह होकर जवाब से बर्दाश्त ना हुआ तो उस वक्त जलाल भाई अंदाज ने इशारा फरमाया था, जिसका हाथ मुसलमानों के खून से रगा हुआ हो अख्तर रजा अपना हाथ उसके हाथ में कभी नहीं देगा। एक बात याद रखना, ये रविश इमाम आली मकाम ही की नहीं बल्कि हमारे असलाफ की भी है, क्योंकि वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चला करते हैं, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चला करते हैं। अब आइए बताओ, यही यजीद है जिसने मदीना पाक पर इमाम की शहादत के बाद बाकायदा चढ़ाई की, फौज को मुसल्लत किया, खून बहाया, 700 सहाबा इकराम को कत्ल करवाया, और तकरीबन 4,000 या 11,000 की रवायत है 11,000 ताबईन को कटवा कर दिया वहां पर। यही तो हिसाब है जिसने मदीना पाक के पसीने नबवी में धोए करवाए थे, यही वो जालिम है जिसने 3 रोज तक जमात नहीं होने दी थी मदीना पाक में। ये बताओ आज एक मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? यार कहीं पहुंचो ना पहुंचो, मदीना पाक एक मरतबा तो पहुंच जाओ, सरकार के रोजे को एक मरतबा तो देख लो, मस्जिद नबवी शरीफ जिसमें सरकार नमाज पढ़ते हैं एक मरतबा तो पढ़ लो। इस नाहजान ने, इस फासिक ने वहां भोए करवाए थे और 3 दिन तक वहां पे नमाज भी नहीं होने दी थी। एक साहबी कहते हैं, मैं पागल होने का भोग करता था और नमाज के वक्त में मस्जिद नबवी शरीफ में चला जाता था, अल्लाह अकबर, वहां पर अजान की आवाज आती थी, जैसे ही वक्त होता वैसे ही अजान की आवाज आती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। बाद में मैंने गौर करके देखा, अल्लाह अकबर, सरकार के रोजे अजहर से अजान की आवाज आया करती थी। इतना मुतबर्रक मकाम, ये बताओ जहां पर जाना, देखना, छूना, अपने आप को वहां पर ले जाना, ये बड़ी सआदत की बात हुआ करती है। आला हजरत अजीम बरकत अली रहमतुल्लाह और जवान की बारगाह में एक आदमी आए, आला हजरत की एक खास तबीयत थी, जब हाजी हज करके आते थे ना तो पहली फुर्सत पर पूछते थे कि रोजे अधर पर हाजिरी हुई कि नहीं, तो रोजे अधर पर हाजिरी हुई कि नहीं, वो अगर कहते कि हाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उनका हाथ भी चूम लिया करते थे, पेशानी भी चूम लिया करते थे, हाथ भी चूम लेते थे, पेशानी भी चूम लेते थे। एक हाजी साहब आए और बड़े ही अफसोसदार अंदाज में अर्ज किया, हुजूर आला हजरत ने पूछा सरदार की बारगाह में हाजिरी हुई कि नहीं हुई, उन्होंने बड़े अफसोसदार अंदाज में अर्ज किया था, हुजूर हुई तो लेकिन सिर्फ मुझे 2 ही दिन रहने दिया गया, मुझे मदीना पाक में सिर्फ 2 ही दिन रहने दिया गया। अल्लाह अकबर, आला हजरत अजीम बरकत अली रहमतुल्लाह रिजवान ने निगाह उठा करके देखा, उनके हाथ को बोसा दिया, उनकी पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाया उस फिजा में अगर एक मर्तबा सांस लेने का भी मौका मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, उस फिजा में एक बार सांस लेने का, देखिए कैसी मुतबर्रक जगह है ना वो, कितनी मुतबर्रक जगह है। और ये कितना बड़ा जालिम था जिसने घोड़े बनवाए, जिसने मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बनवाए, नमाज नहीं पढ़ने दिया करता था। और एक रवायत भी ये कि मदीना पाक की औरतों को 7 दिनों तक अपने लश्कर पर हलाल कर दिया था इस जालिम ने, 7 दिनों तक। अरे जनाब वाला, उनमें वो इफ्फत महान खवातीन, उनमें वो पारसाएं भी थी जिनके बालों को सूरत ने भी नहीं देखा था, जिनके बालों को सूरत ने भी नहीं देखा,
इस जालिम ने मदीना पाक की इफ्फत को तराश करके रख दिया। फिर जब पेट ना भरा तो वो मक्कतुल मुकर्रमा भी उसने बाकायदा फौज से चढ़ाई और वहां पर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुकूमत की जाहिर सी बात है, उन्होंने दफा किया कि ये पूरी फौज के साथ था, बिजली के साथ था। खाने काबा आपने देखा, कहा खाने काबा है, उसके बाद तवाफ की जगह है, मताफ उसको कहा जाता है, कितनी बड़ी जगह, उसके बाद मस्जिद हराम शरीफ है ना, उसके बाद मस्जिद हराम शरीफ कहा जाता है। उसने मिंजरे के जरिए से इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर, जालिम तुझे अगर किसी से जंग ही करना था तो बाहर जंग कर लेता, बाहर जंग कर लेता, खाने काबा में क्यों? आप जानते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हर एतबार से हरम बनाया है, हर एतबार से हरम बनाया है, यहां तक कि वहां के जानवरों को तकलीफ पहुंचाना, यहां तक कि वहां की घास को भी उखाड़ना जायज नहीं है, यहां तक कि हरम शरीफ की घास को भी उखाड़ना जायज। क्या ये मुसलमान नहीं था? क्या इसे मालूम नहीं था अल्लाह ने अपना इसे हरम बनाया है? यहां पर किसी को अजियत देना वहां का हुक्म जानते हैं? अगर कोई कातिल कत्ल करके हर एक काबा की दीवार को पकड़ के खड़ा हो जाए तो वहां पे नहीं कत्ल किया जाए। कोई कातिल अगर कत्ल करके हर एक काबा की दीवार को पकड़ के खड़ा हो जाए और उसके जनाब को पकड़ के खड़ा हो जाए वहां पे उसे नहीं कत्ल किया जाएगा, नहीं मारा जाएगा, वहां उसके साथ कोई दो दोस्ती नहीं की जाएगी। कहा कातिल है उसके बावजूद भी कहा हाँ अगर जी कातिल है लेकिन अल्लाह के हर में मौजूद है वहां पे नहीं कत्ल किया जाएगा। अब वो कहा फरमाते हैं उसको निकालने का दूसरा तरीका है, उसके निकालने का दूसरा तरीका है उसको वैसे ही हाल में रहने दिया जाए और फिर जब भूख लगे, प्यास लगे, पेशाब की जरूरत पड़े, इस्तिंजा की जरूरत पड़े वो बाहर आएगा तब गिरफ्तार किया जाए, वहां पे नहीं गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे अहकाम है, ये हमारे अरब शरीफ के अहकाम है। इस जालिम ने क्या किया था? अल्लाह अकबर, खाने काबा पर पत्थर बरसाए थे। आपने एक तारीख में पढ़ा होगा, अभी जो आप हजरे अस्वद चूमते हैं ना उसमें एक शिगाफ पड़ा हुआ, उस पत्थर में क्रैक आ चुका है। कहा कहां से आया? कहा इसी जालिम ने पत्थर बरसाए थे उसकी वजह से वो पत्थर टूट चुका, इस जालिम ने वो पत्थर बरसाए थे। इतना पत्थर बरसाया, इतना पत्थर बरसाया कि जो मताफ का हिस्सा पत्थरों से पट गया, भर गया, इतने पत्थर बरसाए थे उसने। खाने काबा की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थी, हजरे अस्वद शरीफ में कहते दरार पड़ चुकी थी और जब पेट नहीं भरा इस जालिम का। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं आप अच्छी तरह से अपने जहन में रख लें, इमाम अली मकाम ने बिना वजह शहादत थोड़ी ना पेश की थी। अरे भाई इसकी मौत पर जो सहाबा का कातिल हो, जो ताबईन का कातिल हो, जिसने मस्जिद नबवी शरीफ के तकद्दस को पामाल किया हो, हरम शरीफ के तकद्दस को पामाल किया हो, आप रवायतें जानते हैं अल्लाह अकबर, यही रसीद है जो इमाम की शहादत से पहले मक्का मुकर्रमा में मौजूद था, शराब पीता था। इमाम वहां से गुजरे, कहता है यजीद इमाम आप भी शराब पी लो, आपने लाहौर पढ़ा, आपने लाहौर पढ़ा, उसने ये कहा कि दूसरे मामले में और आपने मना किया है शराब से, कहा मना किया? इस जालिम को खबर नहीं थी कि कुरान पाक में क्या कर रहा है, इस जालिम को खबर नहीं थी। इमाम ने लाहौर पढ़ा तो अब बताओ ऐसे हाथ, ऐसे शख्स के हाथ पे इमाम अपना हाथ दे सकते थे जिनका हाथ हमेशा पैगंबर के हाथ में रहा, जिनके जो हमेशा पैगंबर के दो जानों पर रहे, कंधों पर रहे, सरकार ने सीने से लगा करके रखा, अपने चादर में उड़ा करके रखा, जिनके लिए दुआएं की, सरकार इमाम आली मकाम को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे, सूंघा भी करते थे, रवायतों में यहां लिखाता है। सरकार को ये भी मालूम था ये मेरा बच्चा शहीद किया था, वो तो बचपन में शहादत मशहूर हो गई थी ना, वो तो बचपन में शहादत मशहूर हो गई थी। सरकार को ये भी मालूम था जिसके जिस हिस्से पे तलवार चलेगी अल्लाह के रसूल उसी मकाम पर बोसा दिया करते थे, अल्लाह के रसूल उसी मकाम पर बोसा भी दिया करते थे। जनाबे वाला ये यजीद जो है ना ये बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा जालिम था। इसने खाने काबा में पत्थर फेंकवाए, खाने काबा की दीवारें जगह जगह से टूट गई, हजरे अस्वद पे क्रैक आ गया था, उसमें दरार पड़ गई थी, उससे भी जब पेट नहीं भरा था तो इसने आग के गोले फेंकवाए थे, आग के गोले फेंकवाए थे, मस्जिद हरम शरीफ में आग लग चुकी थी। जनाबे वाला
मेरा फिर ताबा इसी के बोलों की वजह से झल चुका था। आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में फिदिये में जो मेंढा शहीद किया गया, जो मेंढा ज़बह किया गया था, आपने उसके बारे में सुना होगा, वो जन्नत का था, दुनिया का मेंढा नहीं था, वो जन्नत से लाया गया था। जानते हैं आप, उसकी सींगों को उसी खाने काबा में महफूज रखा गया था और इसके संगबारी की बुनियाद पर और जलते हुए बोलों के फेरे की बुनियाद पर काबे में आग लग गई और उसी भी तबाह होकर रह गई, उसी भी तबाह होकर के रह गई। आप जानते हैं कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा जालिम था। इसलिए इमाम ने कभी इसकी माफ कर दी, इमाम ने कभी इसकी माफ कर दी, हमेशा इशारा फरमाया जालिम का साथ देना ये जुल्म को बढ़ावा देगा। और मैं पैगंबर की नियामत करने के लिए आया हूँ, जालिम की नियामत करने के लिए नहीं आया। और इनके दिलों में ईमान इतना पुख्ता बना दिया गया था, इतना रचा बसा दिया गया था कि जिस्म कटता भी था तो एहसास तक नहीं होता था, जिस्म कटता भी था तो एहसास नहीं होता था। अब एक बात बताओ, हमारे घरों में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, एक का इंतकाल होता है, मरा है, एक का इंतकाल होता है, पूरा घराना रोता है कि नहीं रोता है? पूरा घराना रोता है ना, माँ अलग रो रही है, बाप अलग रो रहा है, पता है उसके भाई अलग रो रहे हैं, बहने अलग रो रही है, खाना है, चची है, सब के सब आंसू बहा रहे हैं। और इतना आंसू बहाया जाता है कि ऐसा महसूस होता है कि वहां पर इनको करार नहीं आ रहा। भाई वहां तो एक इंतकाल किया, पूरा घर तबाह हो गया, बाबा यहाँ तो खानदान पूरा का पूरा शहीद हो गया। इमाम के दिल पर क्या गुजर रही होगी सोच करके देखना, कभी कभी तन्हाई में बैठ करके सोचना। औलाद भी छोटी, ऐसी छोटी औलाद जो अभी दूध पीती हुई थी, शहरवानों ने यही तो कहा था, इमाम इन लोगों की आपसे दुश्मनी है, आप ले जाए, हो सकता है इसका इसकी जबान काटा हुआ चुकी है सूख करके, ले जाए, हो सकता है कि उन लोगों को रहम आ जाए और इसको पानी पिला दे। जालिम कुर्बला ने एक तीर नाप तौल कर मारा था, वो भी तीर कैसा था, कहते हैं कि वो जानवर को मारे जाने वाला तीर था, इंसान नहीं, जानवर को मारा, जानवर को जो तीर मारा जाता है उसकी अन्नी यानी उसका अगला वाला जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, वो चौड़ा होता है ताकि जानवर को जब तीर लगे तो उस पर ज़बह का हुक्म दिया जा सके। अगर वो मर जाता है, अगर आदमी ना हो पाए वहां पर, हिरन का मिसाल के तौर पे किसी ने शिकार किया और बिस्मिल्लाह कह करके तीर मारा, गोली का वो हुक्म नहीं है लेकिन तीर मारा और तीर लगा, अब वो जानवर अगर आदमी के पहुंचने से पहले मर गया तो हलाल, वो हलाल, समझे? उसके लिए अलग से तीर बनाए जाते हैं जिसकी अन्निया चोरी हुआ करते। जालिम अरमला ने करबला के सबसे छोटे बच्चे का हुक्म और उसी तीर से मारा था। अरे उसकी तो गर्दन कट गई थी और एक तरफ लुढ़क गई थी। इमाम ने क्या किया, क्या बेसब्री का मुजाहरा किया था, क्या पागल हो गए थे, क्या जुनूनदारी हो गया था? अल्हम्दुलिल्लाह जब जिंदा था तब भी हमारी मकाम के होश और हवास में थे और जब शहीद हो गया तब भी होश और हवास में थे और फोन को आसमान की तरफ उड़ा करके कहा, अर्ज किया, मौला हुसैन की ये शहादत को भी कबूल फरमा ले, हुसैन के इस शहादत को भी कबूल फरमा ले। जवान साहब भी कहा, अली अकबर, अल्लाह अकबर, खून किसका था? इमाम अली मकाम पर था ना, इमाम अली मकाम पर था। एक ही बात, जब शहीद होने लगे, अली असगर आए, कहा बाबा अब मुझे जाने दिया जाए। कमाल है, देख रहे हैं जाने वाले वापस नहीं आ रहा, देख रहे हैं कोई भी जो जिंदा जा रहा है वापस जिंदा नहीं आ रहा, इमाम अपने कंधों पर उठा कर लगा रहे, किसी के जिस्म पर 30, किसी के जिस्म पर 40 और हजरत अब्बास रमदान के जिस्म पर तो 50 जीरो के निशान अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक कमाल है, बच्चों का भी जिनके खानदान के बच्चे ऐसे हो उनके खानदान के जवान बड़े जैसे होंगे जनाब, उनके खानदान के बड़े और जवान कैसे होंगे? अल्लाह अकबर, सब देख रहे, जाने वाला वापस नहीं आ रहा, लेकिन बढ़ चढ़ करके उनसे पहले मुझे जाने दिया जाए, उनसे पहले मुझे जाने दिया जाए, उनसे पहले मुझे जाए, ये कहां से उनके अंदर ये बात आई? उन्होंने नबी पाक को देखा था, उन्होंने मौलाए कायनात को देखा था, उन्होंने हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखा था। जिंदगी ये नहीं है कि इंसान आसाइश के साथ पूरी जिंदगी गुजार दे, जिंदगी वो है जो अल्लाह की रजा के इत्तबा से गुजार, अल्लाह की रजा के इत्तबा से गुजार दिया। जिंदगी असल में ये हुआ करती है। आप जानते हैं अली अकबर खड़े हुए, इमाम की आंखों में आंसू आ गए,
जवान बेटा खड़ा है अब मैदान कारगार में जाने से। कहा बेटा तुम्हें किस जबान से इजाजत दूं? अल्लाह अकबर। अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा हुजूर आपके पास जिंदगी का मजा क्या है? मजा तो आप ही के साथ है और जिंदगी का लुत्फ तो यह है कि आपके सामने मेरी रूह निकल जाए, आपके सामने मेरी रूह निकल जाए। जनाबे वाला सोच करके देखना, क्या बच्चे भी इतने बहादुर होते हैं, क्या बच्चे भी इतने बहादुर होते हैं आज वाकई? क्या हमारे हम इतने बहादुर हैं? नहीं, उनकी निगाहों ने रसूलुल्लाह को देखा था, उनके कानों ने रसूलुल्लाह की आवाज को सुना था, उनकी आंखों में रसूलुल्लाह के जलवे समाए हुए थे। इसलिए वो दुनिया में कभी भी लर्जा बरंदाम ना हुए, उनके पांव कभी भी डगमगाए नहीं। कमाल है हजरत अली अकबर का। हजरत इमाम आली मकाम ने अपने हाथों से अली अकबर को पट्टा भरता था, एक पट्टा होता है, फिर तलवार लटकाई थी, ढालत आकर भाई नेजा दिया, कहा जाओ अल्लाह के हवाले किया, जाओ अल्लाह के हवाले किया। क्या ये बेटा बुजनी की मौत मारा गया था? क्या उसने जाकर के अपनी जान की भीख मांगी थी अपने यजीदी लश्करों के सामने? वल्लाह लजीम ये वो नौजवान था जिसका मुकाबला करने वाला कोई ना था, जिसका मुकाबला करने वाला कोई ना था। एक बार बताओ, दमिश्क का एक नौजवान, दमिश्क का एक पहलवान जिसे 1000 के बराबर कहा जाता था, नाम उसका अजहर था, 1000 के बराबर माना जाता था, नाम उसका अजहर था। इब्ने साद जो यजीदी लश्कर का सालार था, जब इमाम आली मकाम के फर्जंद मैदान कारजार में पहुंचे, ये नहीं कहा था कि अपने किसी आदमी को भेज दो, वल्लाह ललकार में भी कहा था तुमने क्या जो बहादुर हो उसे भेजा जाए। कितने साल का लड़का था, कहां से 18 ही साल का तो लड़का था, हिम्मत कहां से आ रही थी? अल्लाह अकबर, कहा तुमने जो सबसे बड़ा बहादुर हो वो आए। 18 साल का लड़का था जिसने कहा था। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने कहा अर्जब को, अर्जब तुम चले जाओ, अर्जब तुम चले। ये अर्जब वो पहलवान जो 1000 के बराबर माना जाता था, 1000 के बराबर माना जाता था। उसने कहा ये मेरी तौहीन है कि मैं लड़के से लड़ने के लिए जाऊं, एक बच्चे से जंग करने के लिए जाऊं। अल्लाह हु अकबर। इब्ने साद ने कहा था अर्जब मामूली ना जानना, हाशमी घराने का और उसकी कछार का शेर है, ये मामूली नहीं जानना, मामूली नहीं जानना। तारीख गवाह है इस बात की। उसने कहा इब्ने साद तुमको घबराने की जरूरत नहीं, मेरे 4 बेटे और हैं, निपट लेंगे इससे, 4 बेटे और हैं निपट लेंगे, तारीख गवाह है। एक बेटा गया तो इमाम अली अकबर को ना मान सकता, इमाम अली अकबर उसके ऊपर गालिब आए, दूसरा गया उसके ऊपर गालिब आए, तीसरा गया उसके ऊपर गालिब आए, चौथा भी गया तो उसके ऊपर गालिब आए। 4 से लड़ने के बाद जो कई दिन से भूखा हो प्यासा हो, क्या अब लड़ने के लायक रहेगा? क्या अब लड़ने के लायक रहेगा? ये कमाल है। अर्जब जब मैदान में आया, अर्जब जब मैदान में आया तो क्या अर्जब से ये घंटों लड़ते रहे? तारीख इस बात की गवाह है, एक बार उसने किया था और एक बार अली अकबर ने किया था। उसका जो वार था वो ऊपर से निकल चुका था और अली अकबर की जो तलवार चली थी अर्जब दो हिस्सों में कट करके मैदान एक तरफ बना में तोड़ता हुआ रहा है, दो हिस्सों में हवा मिला, 8 आदमी हो और नहीं उसका मुकाबला कर सके और नहीं उसका मुकाबला कर सके। चुनाचे कब्ज करने के बाद वापस आए थे अपने बाबा के पास, इमाम आली मकाम के पास, अर्ज किया था बाबा अगर चंद कतरे मिल जाए ये 22,000 का लश्कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बाबा अगर चंद कतरे मिल जाए, वादी के तो ये लश्कर उश्कर क्या है? अल्लाह अकबर, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून हो वो बुजिल होगा, अरे पहलवानों का पहलवान होगा। कौन है दुनिया का पहलवान जो इनके बहादुरी के सामने टिक पाए? कौन है? इनको तो मारा गया, कैसे मारा गया आपको पता है? इमाम अली अकबर ने कहा बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मजा आ जाए, जब जो है दोबारा हो जाए लुत्फ अंदोज हो जाए। मुस्कुरा करके इमाम ने इशारा फरमाया था बेटा आपका तो इंतजार नाना हुजूर हौज़े कौसर पर फरमा रहे हैं, हौज़े कौसर पर फरमा रहे हैं। अपनी अंगूठी थी, कहा इसी को चूस लो, इसी को चूस लो। चुनाचे उसको चूस करके जब वापस गए, अल्लाह अकबर, फिर ललकार करके जब कहा था तो इब्ने साद ने कहा था बच्चे को बच्चा ना समझो, 5 को तो अभी काट करके गया,
अगर एक एक जाते रहे तो 50,000 को काट करके रख देने की सलाहियत रखता है, 50,000 को काट करके रख देने की सलाहियत रखता है। इब्लीस साहब ने कहा इससे सामने सामने मुकाबला ना किया जाए, ये तो धोखे वाली जंग होती है ना। होता क्या है भाई, एक ही आदमी है तो आओ ना लड़ो ना, तुमको लड़ना है ये करके लड़ो, आ जाओ। लेकिन अच्छी तरह से मालूम था कि एक एक करके जाएंगे सारा लश्कर खत्म हो जाएगा, इनकी बहादुरी के चर्चे कभी खत्म होंगे, इनकी बहादुरी के चर्चे कभी खत्म ना होंगे। अल्लाह अकबर, उनका तरीके जंग ये हो गया, अब कोई सामने नहीं जाता, दूर खड़े होकर के तीरों से मारा करते थे। अरे भाई ये बुजदिलाना जंग हुई ना, देव के मुकाबले में हजारों भेद करके मार रहे। अरे 18 साल का जवान तो नहीं संभालेगा, 18 साल का जवान नहीं, और कमाल है उसमें भी घोड़ा दौड़ा करके जिस सब पे टूट पड़े थे उस सब का सफाया कर दिया गया। तीर उठाने के बाद, तीर दिखाने के बावजूद भी उन सब का बिल्कुल सफाया कर दिया गया। कौन था जो टिक सके, लेकिन बच्चा ही है, कितने तीर अपने जिस्म पर बर्दाश्त करेगा। तीरों से जिस्म छलनी कर दिया जाता था और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता था। जब आपके सीने में निजाम व्यवस्थ हुआ, आवाज या बताह वालिदे गिरामी कहां है, अल्लाह अकबर, इमाम अपने खैमे से निकले और अपने 18 साल बच्चे की लाश को अपने कंधे पर लेकर के आए थे। कहा था शायद मारो देख लो, तुम्हारा बच्चा अब जन्नत में जा चुका है, इंतजार दे पाएगा। कहने में दास्तान सुनाने में ये बहुत आसान है, लेकिन आप सोच करके देखना क्या ये वाकई इतना आसान है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। आप जब निकलने लगे तो कोई था खैमे में, था कोई खैमा में ऐसा जो इमाम की खैरियत ले सके, इमाम अब आप जा रहे हैं क्या होगा। अरे खवातीन ही तो थी, लेकिन जानते हो उन खवातीन में भी हजरत ज़ैनब थी। हाँ, हजरत ज़ैनब खुद इमाम की बहन। वल्लाह जितना अर्ज इमाम आली मकाम के दिलों में था, ज़ैनब भी उतनी ही बाबाज, इतनी ही अजमत वाली और हौसला वाली खातून थी। अपने सारे बच्चों को शहीद करवा दिया, खानदान को शहीद होता हुआ देखा, आराम किया, आंसू बहाए और आपके कदम बिल्कुल ना टपकाए। इतना मालूम था कि अब भाई को तैयार करने वाला कोई नहीं है, ज़ैनब आगे बढ़ी, ज़ैनब आगे बढ़ी। कहा इमाम आपने सबको तैयार करके भेजा है, ज़ैनब अब आप तैयार करेगी। ज़ैनब जो है वो आप ये भाई बहन है हजरत ज़ैनब के, बहुत मामूली ना समझना। वल्लाह अज़ीम करबला में अजीम किरदार अदा करने वाली ये तो कोई खातून है तो हजरत ज़ैनब के लिए मौका आ रहा है। हजरत ज़ैनब अल्लाह हु अकबर। आप जानते हैं ये काफिला जब लूटा पिटा, जब सब कुछ खत्म हो गया था, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा था। मैं आमतौर पर मना करता हूँ ये ढोल बाजे तमाशे ये सब करना छोड़ दो, हमारे इस्लाम के शियार नहीं है ये ढोल बजाना, पंजे बैठाना, तमाशे करना, फुलाव जलाना, आग लगाना, खून, क्या दिखाना चाहते हो तुम अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हो। अरे यार इस्लाम पर मजबूती से कायम रह करके पांच लोगों की नमाज पढ़कर दिखा दो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बहादुरी बताएगी। दुनिया को तमाशा करके दिखा रहे कि ये हम मुसलमान हैं। वल्लाह इस्लाम में इसराफ जायज नहीं है, इसराफ जायज नहीं है। यार जलाना, लकड़ी खरीदना, तमाशा देखना, पंजे बिठाना, ये सब हराम का मजमूआ है, ये सब हराम का होगा मजमूआ है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, अच्छा ये किए किसने थे, ढोल ताशे बजाए किसने थे, जनाबे वाला हुसैनियों ने नहीं बजाए थे, हुसैनियों ने नहीं बजाए थे, यजीदियों ने खुशी के मौके पर कूफा में बजाए थे। चलो अब हमारी फतह हो चुकी है, हमारी फतह हो चुकी है। ढोल की आवाज को सुनकर के इब्ने ज़ियाद ने कहा था ज़ैनब देख लो ये हमारे खुशी के और हमारे फतह के नखारे बज रहे हैं, जरा देख लो ये हमारी खुशी के और हमारी फतह के नखारे बज रहे पूरे शहर में बज रहे हैं। वल्लाह की नबी चंद लम्हे गुजरे थे, चंद लम्हे गुजरे थे, उसके बाद अजान की आवाज आई। ज़ैनब ने बहुत ही जलाल भरे अंदाज में कहा था इब्ने ज़ियाद सुन ले, इब्ने ज़ियाद सुन ले, वो तेरे नखारों की आवाज थी और ये मेरे नाना जान के नकारों की आवाज है, तेरे नकारों की आवाज तो खत्म हो जाएगी, मेरे नाना जान की जो नकारों की आवाज है, अजान की आवाज है, सुबह कयामत तक ऐसी ही जिंदगी रहेगी, सुबह कयामत तक जवान खामोश कर दीजिए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वैसी खातून ला करके दिखाओ, वैसी खातून ला करके दिखाओ। करबला में क्या नहीं है, हम ढूंढते करबला में क्या है, अरे करबला में क्या नहीं है, सब्र है, बहादुरी है, जज्बा है, ईमान है, इस्तेकामत है, हौसला है,
इम्तिहान में पूरे तौर पर उतरने का मौका है, वो कौन सी चाहे जो कर्बला में नहीं पाया जाता। तो कर्बला में आज भी अगर अपने बच्चों का हकीकी तौर पर कर्बला की दास्तान सिखा दो, वो बुज़दिल कभी नहीं बनेंगे, वो बुज़दिल कभी नहीं बनेंगे। बुज़दिली को अगर निकाल लाओ, हमें अपने असलाफ की तारीख खास तौर पर हजरत इमाम आली मकाम की तारीख को बताना होगा, हजरत इमाम आली मकाम की तारीख को बताना होगा। यही ज़ैनब है, इमाम आली मकाम को पट्टा बांधाई और फिर आपने ढाल की अदा करवाई, मिस्री कफन पहनाई और सब कुछ जैसे इमाम ने अपने बच्चों को रवाना किया था। ज़ैनब कहती है, भाई हमने आपको अल्लाह की राह दिया, क्या मालूम नहीं था ये तो आखिरी नौजवान है, उसके बाद कोई नहीं रहेगा, उसके बाद कोई नहीं रहेगा। जानते इमाम आली मकाम को जिसको आप तो पहले गए, आपने यही ना फरमाया था क्यों मुझे मारना चाहते हो भाई, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो, इसीलिए ना कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो, इसीलिए ना कि हाँ यजीद के हाथ यजीद और मुझ में अफजल हो गए, क्या यजीद को भी रसूलुल्लाह ने अपने हाथों में उठाया, कभी कंधों पर उठाया, कभी जानों में बैठाया, मैं वो हूं जिनके लिए रसूलुल्लाह ने जुम्मे का खुतबा छोड़ दिया था, मैं वो हूं जिनके खातिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों कांधों पर उठा करके मुझे बयान कर दी थी, मैं वो हूं कि अगर रसूलुल्लाह के कांधे पर हालत नमाज में चल रहा था तो रसूलुल्लाह अपने सजदे को तवील करवा दिया करते, अपने सजदे को तवील करवा दिया करते। ये बातें सुनने के बाद यजीदी लश्कर में एक खलबली मचने लगी और करीब था कि कुछ लोग बगावत कर जाते, इब्न साद ने चिल्लाना शुरू किया, इमाम की आवाज को बंद कर दिया, इमाम की आवाज को बंद कर दिया, तो क्या इमाम घबरा करके वापस आ गए। आप सोचो जिसके 18 साल बच्चे की हाथों में वो ऊंट वो की अर्जन जैसे पहलवान को दो हिस्सों में एक ही तलवार के वार से काट करके रख दे, सोचो हाशमी घराने का तो शेर है, हाशमी घराने के तो ये शेर है, इमाम के आगे कोई टिक पाया होगा। अल्लाह अकबर, कहते यजीद रही वगैरह जैसे इतने बड़े बड़े नौजवान कहां सामने आए, मारना तो बहुत दूर की बात, इमाम ने अगर उनकी कब्र में हाथ डाल के जब पकड़ दिया तो उनकी कब्र टूट चुकी थी। इमाम को अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई कि आपने अगर ना भी ला तलवार ना भी मारी तो बहुत सारे नौजवानों को उनकी कमर में हाथ डाल करके ऐसा पटका था कि उनकी कमर की हड्डी टूट चुकी थी और दोबारा उठने के लायक नहीं थे। मेरे इमाम के हाथ के अल्लाह ने वो कुव्वत अता फरमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने वो अब कैसे नाकुवत पैदा हो, इसकी औलाद असदुल्लाहिल गालिब की औलाद है, अल्लाह के शेर की औलाद है, उनको अल्लाह ने कितनी कुव्वत अता फरमाई होगी। जनाब उनको भी तो ऐसे ही शहीद किया गया ना, दूर से तीर चला रहे थे, मुस्तिल है मुस्तिल कौम ऐसी हुआ करती है, दूर से जब लड़ा करती है, दूर से जब लड़ा करती है, जानते हो आप तो शहीद हुए थे, आपका जब लिबास उतारा गया था अल्लाह अकबर 120 तीरों के निशान थे, 72 तलवारों के निशान थे, 34 से ज्यादा नेजों के निशान थे, दुनिया का एक जिस्म ऐसा ला करके दिखाओ जो इतने जख्म खाने के बाद भी लड़ रहा हो, दुनिया का एक जिस्म ऐसा ला करके दिखाओ जो इतने जख्म खाने के बाद भी लड़ रहा हो। जनाबे वाला एक इंच आधा इंच कट जाता है ना, इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, गलत नहीं है, इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, पूरा ट्रीटमेंट होता है उसका और फिर उसके बाद उसका डिस्चार्ज होता है। जनाब 120 तो सिर्फ तीरों के निशान थे, 120 तो जो है वो सिर्फ तीरों के निशान थे, कैसा बहादुर, एक जिस्म ऐसा लाकर के दिखाओ। अल्लाह अकबर, जब ये पूरा काफिला जुट गया, यजीदियों ने आपके काफिले को ताराज किया, तो जानते हो जब खैमे पर नजर दौड़ाई थी और चाहा था कि खैमे की खवातीन को भी बेआबरू करके रख दें, जानते हो खैमे की चोट यानी उसकी लकड़ी को उठा करके सामने खड़ी होने वाली जात का नाम हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। इशारत फरमाया खबरदार को खैमे की तरफ निगाह उठा कर ना देखे, खबरदार कोई खैमे की तरफ निगाह उठा कर ना देखे। कौन थी ये खातून? अल्लाह हू अकबर, हजरत ज़ैनब हजरत इमाम आली मकाम की बहन, हजरत इमाम आली मकाम की बहन थी। दो बार बता करके अपने गुरु, ज्यादा तो वक्त नहीं हो रहा, सुन ले आशूरा की रात है फिर हम कहा आप कहा, लेकिन ये दास्तान तो हमेशा कही जाती थी और हमेशा कही जाएगी। हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दो बातियां,
एक हजरत फिजा और एक हजरत शीरी, एक हजरत फिजा एक हजरत शीरी। आखिरी उम्र में हजरत फिजा को हजरत मौलाए हजरत इमाम आली मकाम ने आजाद कहा, आप अपने घर पे जाओ, आराम से जिंदगी गुजारो। वो कूफा के अतराफ में आबाद थे। उनको जब इस शहादत का इल्म हुआ, भागी भागी आई। अब काफिला किस हाल में था मैं बता रहा हूं। हजरत ज़ैनब, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपकी वालदा करीमा, ये एक ऊंट पर बांधे जा चुके थे, दूसरे लोग दूसरे ऊंटों पर, और उसके बाद उनको कैदियों की तरह ले जाया जा रहा। हजरत फिदा रज़ियल्लाहु तआला जब रात के एक मकाम पर रुकने का इत्तेफाक हुआ, हजरत फिदा खाना लेकर के आई थी, कहा ये किसका काफिला है? लोगों ने बताया कि इमाम अली मकाम का काफिला है। हजरत फिदा की आंख में रोशनी ना थी, हजरत फिदा की आंख में रोशनी ना थी। आपने कहा था कि मैं तो सबको नहीं जानती, लेकिन ये उस जिस जमाने में मैं आई थी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में एक बच्ची थी जो खेला करती थी, एक बच्ची थी वो खेला करती थी, मैं उसी जमाने में आजाद कर दी गई थी, क्या वो बच्ची भी इसी काफिले में मौजूद है? हजरत ज़ैनब की आंखों से आंसू निकलने लगे। कहा फिजा, आंख खोल करके देखो, जिस बच्ची को तुमने गोद में खिलाया था वो आज ऊंट पर बांधी जा चुकी है, आज ऊंट पर बांधी जा चुकी है। हजरत फिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेतहाशा रोने लगी। एक रवायत के मुताबिक यह है कि आपकी रूह भी निकल चुकी है। हजरत शिरीन, हजरत शिरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये भी खातून थी जो मौलाए कायनात और हजरत इमाम हसन हुसैन के घर में कहा करती थी। इमाम आली मकाम ने कहा अब आप चले जाइए और बहुत सारा माल दिया। कहा हुजूर अपनी खिदमत पे रहने दिया जाए मुझे, अब जब बात आपकी उम्र की आ रही है, अब इस दर को छोड़ के कहां जाओगे? इमाम ने फरमाया नहीं नहीं, आप अपने घर पे जाकर के आबाद करो, और जितना तुम्हें पैसा चाहिए, दिरहम और दीनार चाहिए, कहते इमाम आली मकाम ने अपने खजाने को खोल दिया, जिससे जितना उठा लो वो सब उठा लो। तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। इमाम ने फरमाया नहीं, जाना तो पड़ेगा। इमाम ने फरमाया जाना तो पड़ेगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में तुम्हें आजाद करूँ। अल्लाह अकबर। उसने उन्होंने जाने के वक्त एक शर्त रखी थी, इमाम ठीक है आप मुझे आजाद कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप मुझसे एक वादा करें कि मैं जहां भी घर बनाऊं वहां पर आप आएंगे। मुस्कुरा करके इशारे को कहा हां हां बिल्कुल आए, तो बुलाओगे तो कि हम आएंगे, अरे आएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, घर वालों के साथ रहना पड़ेगा, घर वालों के साथ आना पड़ेगा। इमाम ने चलते चलते शान फरमाया था शीरी हम आ तो जाएंगे लेकिन पहचान पाओगी? आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ हुजूर, अगर ना पहचान सकूं तो ये आंखें किस काम की, अगर मैं ना पहचान सकूं तो ये आंखें किस बात काम की? आप जानते हैं कूफा के करीब हजरत शीरी ने अपना एक बहुत अच्छा घर बनाया। उनको नहीं मालूम था ये किताल हो रहा है, करबला का वाकया पेश आ रहा है, यजीदी लश्कर ने चढ़ाई कर रखी है और तमाम काफिले वालों को कत्ल कर दिया गया। इत्तफाक की बात यह है, इत्तफाक की बात यह है, रात को जो काफिला रुका था वो हजरत शिरीन के घर ही में रुका था, हजरत शिरीन के घर ही में रुका था। हजरत शिरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा ये कैसा काफिला? कहा कि यजीद के बागियों का, वो नहीं कहा गया इमाम अली मकाम पर, नहीं ये भी कहा गया, कहा यजीद के बागियों का है, लिहाजा वो तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहते हैं। आपने इशारा फरमाया ये जो खवातीन है ये तो हरम की है, इनको अंदर रखा जाए, घरों के अंदर रखा जाए, इनको खुले आसमान के नीचे हरगिज़ ना रखा जाए। खाना दिया आपने, खाना पकाया, सब कुछ किया, और फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखा और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखा, और फिर कभी कभी उनको कोई चीज ख्याल आ गई, हजरत ज़ैनब से पूछा आप हैं कौन, आप हैं कौन? हजरत ज़ैनब ने पूछा कि आप कौन हैं जो इतनी चाहत से हमसे पूछ रही हैं? अल्लाह अकबर। हजरत शिरीन ने कहा था कि मैं इमाम की आजाद करदा गरीज हूं। अल्लाह अकबर। ज़ैनब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आंख में आंसू आ गए थे। इरशाद फरमाया था पहचान करके देखो, पहचान करके देखो, ये वही घराना है, ये वही घराना है जिनके घर में किसी जमाने में आप गरीज थी। अल्लाह अकबर। उस वक्त हजरत शिरीन ने कहा था इमाम कहाँ है? तो हजरत इमाम के
गर्दन से आपकी जबान से आवाज आई थी शीरीन, क्या हमने ना कहा था हम घर वालों के साथ आ तो जाएंगे पहचान पाओगी, आ तो जाएंगे, आ तो गए पहचान पाओगी, हमने उसी वक्त ना कहा था। बात समझ में आती है, जमाना समझता है कि आम अचानक शहीद कर दिए गए, नहीं जनाब, इमाम की अपनी जिंदगी के पल पल के बारे में पूरी खबर दी थी, बाद में मौत की खबर दी थी, आपने पूरी खबर दी थी, आपने उसको यही तो इशारा फरमाया था शरीर आ तो जाएंगे पूरे घराने के साथ, लेकिन आप पहचान पाओगे, यानी इमाम उस वक्त जो जिंदगी गुजार रहे थे इस लम्हे पर की तरह थी कि जाएंगे जरूर शरीर के घर में भी जरूर रहेंगे, लेकिन शरीर नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि शरीर नहीं पहचान पाएंगे। अल्लाह रब्बा एक चीख मारी थी हजरत शरीर ने और उसके बाद कभी जमीन से उठ ना सकी, कभी जमीन से उठ ना सकी, शहीद हो गई। ये तारीख बड़ी कर्मबला है, बहुत दर्द रखा करती है, इसी वजह से इस तारीख को आज तक भुलाया ना जा सका, इस तारीख को आज तक भुलाया ना जा सका। इब्ने ज़ियाद के दरबार में बात करने वाली जो जात थी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, यज़ीद के दरबार में जो बात करने वाली जात थी वो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की थी। और मदीना पाक जब ये काफिला पहुंचा था, मदीना वालों ने जब पूछा था ऐ ज़ैनब इतने लोगों को लेकर के गई थी, इमाम कहाँ है, उस वक्त उनके आंसू निकले थे, उस वक्त उनके आंसू निकले थे, अब जो करार था ना, जो समंदर रुका हुआ था पानी का, वो अब बह निकला आंखों से, क्योंकि उन गलियों में इमाम आली मकाम को भी देखा करती थी। मदीना पाक के लोगों ने जब पूछा था ज़ैनब इमाम आप कहाँ है, इशारा फरमाया कि देखो जिस्म लेकर के गई थी गर्दन लेकर के लौटी, जिस्म लेकर के गई थी गर्दन लेकर के लौटी। जनाबे वाला इस करबला की पूरी तारीख में ये बात याद रखना, इंसान जीता है तो रज़ाए इलाही के लिए जीता है और मरता भी है तो रज़ाए इलाही के लिए ही मरता है। कर्बला का सबसे बड़ा दर्स यह है, इंसान अगर किसी साथ पर एतमाद कामिल रखे तो वो अल्लाह के साथ है, वही हयात देने वाली, वही मौत देने वाली, वही रिस्क देने वाली, वही भूखा रखने वाली और वही खाना खिलाने वाली सारी जात का मजमूआ अल्लाह खुदवर फरमाते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने कायनात को लफ्ज़े कुन के जरिए से पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कर्बला वालों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनका सदका अता फरमाए, आशूरा की रात का सदका अता फरमाए। और मा अलैना गुजारिश करूंगा कि आप आए और आप खुद भी पूछ पाएंगे। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। हां हां बिल्कुल कर दे, मैं तो एक वक्त आता हूं वो पांच वक्त कर। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या सुन्नत जिंदाबाद नारा हैदरी या अली। सलीम भाई आप तशरीफ लाएं। I'm the one.
ہماری ان مجالس مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، مولا اس پر اپنے خاص رحمتوں کا نزول فرما، یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے علم میں، عمر میں، اقبال میں بلندیاں عطا فرما، مولا شہدائے کرب و بلا کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما، جن لوگوں نے ان محافل کو سجانے سوارنے میں دامِ دل میں قدمِ سخن تعاون کیا، مولا ان کے تعاون کو قبول فرما لے اور دونوں جہان میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، مولا کریم ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما لے، مولا کریم شب عاشورا کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما دے، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما دے، اچھوں کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے دفعین میں، مولا کریم ہم سبوں کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو آفتوں کی نیاز سے محفوظ فرما، نفوستوں کو دور فرما، مولا کریم مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کے دروازوں کو کھول دے، ان کے جائز کاروبار میں ترقی عطا فرما، سب کو مولا کریم رزق حلال میں وسعت مضبوطی عطا فرما، تسلق عطا فرما، استقامت فی الدین کی دولت ہم سب کو عطا فرما دے، مولا کریم ہم تمام کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اپنے رب محبوب اور کربلا والوں کی محبت سے ہم سب کے دلوں کو آباد فرما، مولا کریم اطاعت کی توفیق عطا فرما، بندگی کی توفیق عطا فرما، تیرے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم میں سے جو بے اولاد ہو انہیں اولاد ندینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہو مولا کریم ان سبوں کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، کل بروز قیامت سرکار کے ہاتھوں سے آبی کوثر عطا فرما، سرکار کی شفاعت کبرا عطا فرما، عالم اسلام کے ساتھ مولا کریم رحم و کرم کے فیصلے فرما، ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، مولا کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال
درمیان وہ سب کی پریشانیوں کے دور فرما، قرض میں مبتلا ہو تو مولا کریم بارے قرض سے سبک گوشی عطا فرما، بیمار ہو تو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، مستمرہ عطا فرما۔ مولا خصوصیت کے ساتھ ہم حاضرین میں سے جن کے والدین کریمین دنیا سے جا چکے ہو تو انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما دے، جنتی بچھونا عطا فرما، جنتی نعمتیں عطا فرما۔ مولا جن کے والدین کریمین با حیات ہوں گے عمر خضر عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، صحت کے ساتھ ان کا سایہ تادیر ہم سبوں کے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ مولا ہم سب کو اپنی خشیت عطا فرما، اپنے گھر کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کی محتاجی عطا فرما، دنیا داروں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ خیر میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ۔